यानी मदर, इनके सेट ऑन वन पॉइंट। लेट मी स्पीक हाईली और स्लोली। इट डाइवर्ट्स माय अटेंशन। नमिनम गुरु सदरजीत माँ बाप का ये मशहूर गिनान है और हम लोग पढ़ते हैं। अपने आप को बोध करने के लिए ऐसा फरमाया, जीव मारा हंसा, अरे मेरे जीव, अगर तू करनी कमाएगा तो ये जो संसार है त्रिवेणी, इसमें से पार हो सकेगा। त्रिवेणी का मतलब है जहां दो दरिया, दो नदियां आके मिले और एक फोल्ड रिवर निकलता हो, गए इस जगह को त्रिवेणी कहते हैं। ये संगम है पास्ट का और प्रेजेंट का, और पास्ट से हमारा प्रेजेंट बना। अब अगर हम प्रेजेंट जो है वो कभी अच्छा बनाते हैं तो हमारा फ्यूचर अच्छा होता है। ऐ दीनदारो, इंसान जो है वो अपनी करनी का, अपने आमाल का नतीजा है। इंसान एक जानवर है लेकिन उसमें खुदा ताला ने इंटेलिजेंस दी है, और खुदा ताला ने इंसान को अकल दी है, खुदा ताला ने इंसान को विल पावर दी है, खुदा ताला ने इंसान को फ्री विल दी है। ये पंखे घूम रहे हैं और जहां इसका रेगुलेटर है उसके अंदर तीन या चार डिजिट्स हैं, फास्ट करो, स्लो करो, उससे स्लो करो, और इस हिसाब से ये पंखा चलता है। लेकिन जहां रेगुलेटर खड़ा हो गया उससे ज्यादा ये जा नहीं सकता, और जो स्लो हो गया तो उससे ज्यादा स्लो हो नहीं सकता। इस चीज को कहते हैं फ्री विल। इंसान को खुदा ताला ने फ्री विल दी है, अच्छा काम करना या बुरा काम करना ये इंसान के अख्तियार में है, और जानवरों को ये चीज बख्शीश नहीं की है लेकिन इंसान को बख्शीश की है, क्योंकि खुदा ताला ने इंसान के अंदर अपनी आत्मा रखी है जिसको हम नूर कहते हैं। हम इंग्लिश में इसको स्पिरिट कहते हैं, और इस स्पिरिट के हिसाब से खुदा ताला ने उसको अकल बख्शी है, और अकल स्पिरिट से एनर्जी लेती है, और ये अकल इस एनर्जी को डाइल्यूट करके थ्रू माइंड हमारे बदन के अंदर कंट्रोल करती है। जैसे कि इमाम सुल्तान अहमद शाह, मौलाना हजर इमाम मुर्तजा अली, हमारे सारे जितने भी इमाम हैं, इन तमाम इमामों ने हमको इस बात के लिए फरमान किए हुए हैं कि इंसान अपनी मर्जी से अपना भविष्य बनाता है। बैतुल ख्याल के फरमानों में, बंबई के अंदर मैं बैठा था, 67 की बात है, जब इमाम ने फरमान करते करते कहा कि आदमी को जब भी प्यास लगती है, पानी का जग पड़ा है, हमारा माइंड हमारे हाथ को हुक्म करता है कि तुम पानी के इस पिचर को उठाओ, गिलास में डाल के वो पानी पीता है। मौला फरमाया इस तरह जो इंसान को खुदा ने विल पावर दी कि उसको जो चाहिए वो ले सके, जो नूरानी चीज है वो उसके हाथ में नहीं कि पानी डाल के पी सके, नूर खुदा की बख्शीश है, और ये बख्शीश इंसान को उसके आमाल से मिलती है। इस्माइली मजहब ये वो तरीका है कि जो नबियों का तरीका है, फरिश्तों का दीन है, पवित्र दीन है, अल्लाह का नूर हमारे अंदर हजर इमाम के बदन के अंदर मौजूद है, हमको दिनों दुनिया की दौरवनी मिलती है,
और इस दूरवाणी के हिसाब से हम अपना भविष्य बनाते हैं। हमें इस्माइलियों को ये बात जाननी चाहिए कि हमको कुरान हदीस फरमान गिनान और मिशनरियों की वाइजों में ये बताया गया है कि जैसा कर्म करोगे ऐसा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अगर गेहूं बीजा है तो गेहूं उगेगा, और अगर हमने मकई के दाने डाले हैं तो मकई के दानों के बाद हमको गेहूं नहीं मिलेगा। जैसा हमने अमल किया है ऐसा हमको उसका नतीजा दिया जाएगा। हमारे पीर सदर जिन माँ बाप के एक ज्ञान के अंदर बच्चों को सिखाए जाते हैं, फिर बताते हैं कि जैसा अमल करोगे वैसा तुम बोओगे, जैसा तैसा काटोगे। और अगर तुमको कुछ भी बोए बगैर अमल किए बगैर कभी तुम्हें कुछ मिलता है तो पिछदरिन कहते हैं कि मेरे को बताओ ऐसा कोई आदमी है कि उसने बीज बोए बगैर फल काटा होगे। हे मोमिनों, आज की इस दुनिया के अंदर जिसमें से आज हम पसार हो रहे हैं, ये मिलेनियम जो है 2000 का मिलेनियम बहुत बुरा मिलेनियम है। मैं घड़ी घड़ी अपनी वाजों के अंदर जमातों के अंदर ये बात मैं कहता रहता हूँ कि अभी का जो टाइम है वो बुरा टाइम है। इस टाइम के अंदर शैतान का जोर बहुत ज्यादा हो गया है, इंसान के अंदर मुंहपनी बढ़ गई, लालच बढ़ गया, ऐश आराम बढ़ गया, इंसान की हिरस बढ़ गई, बदियां बुराइयां बढ़ रही हैं। और इन हालतों के अंदर हमारी रूहानी शक्ति घट जाती है। इसके लिए हमें इमाम फरमान करते हैं कि जमाने के अंदर किस तरह से चलो ताकि तुम्हें इस बात की समझ आनी चाहिए कि मजहब जो है वो रूहानियत को ऊंचा करने का नाम है। मजहब से हमें सच्चाई मिलती है, मजहब से हमें ताकत मिलती है, मजहब से हमें प्रोटेक्शन मिलती है, मजहब से हमारी मुरादें पूरी होती हैं, मजहब से खुदा नज़दीक होता है, मजहब से इंसान के अंदर खूबियां पैदा होती हैं। मजहब वो चीज़ है कि जो इंसान के अंदर जो हैवानियत है उसको दूर करता है। हमारे अंदर हैवानियत का मादा है, हैवानियत कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट, गुस्सा, लालच, क्रोध, तोड़फोड़, झूठ बोलना, बदियां करना, ये सब एनिमल इंस्टिंक्ट की बातें हैं। मजहब यह सिखाता है हक पे चलो, सच बोलो, इमाम के फरमान पे अमल करो तो तुम्हें दुनिया के अंदर भी सुख मिले, दीन में भी सुख मिले और हमको मौत के बाद भी सुख मिले। मजहब हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है, इसलिए कि जो आदमी सच्चा होता है खुदा उसकी मदद करता है, और जो आदमी दगा फरेब करता है खुदा मुंह फिरा लेता है और वो अपने ही खड्डे में नीचे उतरता है। आज से लगभग 30 बरस पहले यहाँ दारुसलाम के दरखाने के अंदर मैंने एक वाइज की थी। बाय चांस वो वाज मेरी थी 30 मई 1972, आज 29 मई है, और वो 30 मई का जिक्र करता है। मेरी वाज जो थी वो वाज इसलिए थी कि उस वक्त हमारे लोग दारुसलाम में से भाग के स्टीमर के अंदर बैठ के कराची जा रहे थे, गदेले उठाए, रेफ्रिजरेटर उठाए, कुकर उठाए, जो कुछ भी बना, दरअसलम की जमात में एक भूचाल आया यानी अर्थक्वेक आया, और जिसकी वजह से हम लोग बगैर सोचे समझे आंखें बंद करके भागने लगे। क्या हुआ, गदेलों में छुपाए हुए डॉलर निकल आए,
चीजों में छुपाए हुए डॉलर निकल आए। हकूमत ने, यहाँ के गवर्नमेंट ने हम लोगों को बहुत हड़दूत किया, हमारा माल जब्त किया, बेइज्जत किया, सारी जहान के अंदर हम बेइज्जत हो गए। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात के लिए। मौलाना हजरत इमाम को भी दुनिया भर में दुख लगा। ये कोई भागने का तरीका नहीं था, लेकिन मालूम नहीं उस वक्त हमारे दिमागों के अंदर ऐसी बात पैदा हो गई, हमारे मकान गवर्नमेंट ने ले लिए, तो वो हमको इतना दुख लगा कि हम सारा लपेट लपाट के स्टीमर में सब कुछ सामान लेके जान रहे थे। मैंने वाज की, वाज के अंदर मैंने यही जिक्र किया कि हमारे आमाल जो हैं, हमारे कर्तव्य हैं, उनका हमको अंजाम भोगना पड़ता है। एक मैंने उस जमाने के अंदर थी, 28 बरस की बात है, 29 बरस की, मैं आज उसको रिपीट करता हूं। एक आदमी गुजर गया, खासा पैसे वाला था, लेकिन एक छोटा बच्चा था, लड़का उसका, वो छोड़ गया। उस लड़के की माँ पहले ही मर चुकी थी, बाप की मिलकत, बाप का पैसा इस लड़के के नाम पे था। अपने छोटे भाई को ये बच्चा सौंप गया कि देख, ये तेरा भतीजा है, इसको पाल पोस के बड़ा करो, जो कुछ भी खर्च हो गए तो मिलकत मेरी में से, किराए में से निकालो, जब ये 18 साल का हो जाए तो ये सारी मेरी मिलकत इसको सौंप दो। चाचा ने अच्छी तरह ध्यान रखा, लेकिन जो जो बच्चा बड़ा होता गया, ये जो कपल था चाचा चाची, इनके दिल के अंदर बेईमानी पैदा हो गई। मिलकत बड़ी थी, ये लोग गरीब थे, भाई की मिलकत का वारिसदार उसका लड़का है। जैसे जैसे बड़ा होता गया, इनकी नीयत बदलती गई। 18 साल का भी पूरा नहीं हुआ, चाचा चाची ने कुछ प्रोग्राम बनाया कि इसको खत्म कर दो। एक दिन मिठाई बनाई, मिठाई को ढांक के इस लड़के के रूम में रख दिया। स्कूल से आएगा, भूख लगी होगी, ये मिठाई खाएगा और सो जाएगा, क्योंकि मिठाई के अंदर उसने पॉइजन डाली थी। और दोनों खुद अपने घर से निकल के कहीं चले गए। हुआ क्या कि इसका खुद का लड़का, जो उसी की उम्र का था, वो पहले घर पे आया और स्ट्रेट अपने भाई के रूम में गया, ढका हुआ कुछ देखा, देखा तो मिठाई है, मिठाई खाई और गुजर गया। मारने गई थी जेठ के लड़के को, लेकिन मर गया अपना लड़का। मैं आज 29 बरस के बाद, ये बनाव बना हुआ है लाहौर के अंदर, और सच्चा बनाव है। 29 बरस के बाद आज मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, ये इसलिए कि जो आदमी दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो उसी में गिरता है। जैसे हमारे आमाल होते हैं, कभी कभी हमको उसकी सजा जल्दी मिल जाती है, कभी देर से मिलती है, 10 बरस के बाद मिलती है, 20 बरस के बाद भी मिलती है, मगर हमारे आमाल मिट नहीं सकते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि राई के दाने जितना भी तुमने गुनाह किया होगा उसकी सजा मिलेगी, और राई के दाने जितना, राई कहते हैं मस्टर्ड को, राई के दाने जितनी भी तुमने नेकी की होगी वो बेकार नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं होगी। ये जो चीज है, ये लॉ जो है, जिसको हम लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, कुरान शरीफ इस बात से भरा हुआ है। कुरान पाक में इसके बहुत से दाखले और बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन एक साथ साथ एक चीज है, अल्लाह कहता है अगर तुम सच्चे दिल से अगर तौबा कर लो गुनाहों से, तो मैं तुमको बचा लूंगा, मेरी मेहरबानी, मेरी रहमत तुम्हारी मदद करेगी, और मेरी रहमत तुमको ढांक लेगी,
मगर नियत अच्छी होनी चाहिए। हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, एक दिन गुजर जाएंगे, हमारे आमाल हमारे साथ जाएंगे। हजर इमाम के फरमान पढ़ो तो हमें पता लगता है कि हमारा हिसाब किताब होगा। हमारे इस हिसाब किताब के अंदर कोई हमारी मदद नहीं कर सकेगा। यहां तक के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह कहता है, ऐ नबी, बदमाशों और काफरों के लिए दुआ मत मांगो, क्योंकि खुदा ताला उनको मुआफ नहीं करेगा। लेकिन जो लोग खुदा को मानते हैं, वो लोग के जो इबादत करते हैं और फिर भी उनसे गुनाह हो जाते हैं और वो तौबा करते हैं, तो खुदा ताला उनकी तौबा सुन के उनके ऊपर रहमत नाजिल करता है। उनके गुनाहों के लिए तुम मुआफी की दुआ मांगोगे तो खुदा सुनेगा। लेकिन जो काफर हैं, बदमाश हैं, कोई हिसाब से समझते नहीं, उनको तो खुदा जरूर सजा देता है। लूत अलैहिस्सलाम थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल थे, नबी थे, और उनके चचाजाद भाई थे और फूफीजाद भाई थे। तो नबी पे थे, अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को एक खास इलाके में भेजा। वहाँ के लोग बहुत बुरे थे। हम इंग्लिश में एक लफ्ज है होमोसेक्सुअल्स, ये वो लोग थे जिसके लिए आज खासतौर पर यूरोप में और अमेरिका और कनाडा के अंदर ये बदी बुराई बहुत फैल रही है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बात का डर है और मैं शर्माता भी हूँ, लेकिन कहता हूँ कि हमारी जमात के अंदर भी ये सड़ा उधर घुस गया है। मैंने वाजों में जिक्र किया कि खौफ पैदा करो खुदा का, डरो खुदा की सजा से, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है कि ये रास्ता मुआफ नहीं होगा और सजा मिलेगी। लूत अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी वो ऐसी थी। अल्लाह ताला ने लूत को कहा कि इनको डराओ। लूत अलैहिस्सलाम उनको डराते थे कि खुदा से डरो, खुदा तुम्हें सजा देगा, लेकिन वो हंसते थे, कहते थे, अच्छा कभी हमारे ऊपर कोई सख्ती है, भले आफत आवे, मगर वो अपनी आदत से बाहर नहीं आते थे। शराब भी पीते थे, जना भी करते थे, और उनके अंदर खास तौर पे ये जो बदी बुराई थी, 30 बरस निकाले नबी ने, 30 बरस तक उनको समझाते रहे, लेकिन जब वो नहीं माने तो अल्लाह ने कहा, ऐ लूत, जो मोमन हैं उनको कहो कि शहर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं इस शहर के ऊपर अपना गजब उतारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल थे, और नबी से रसूल का दर्जा बड़ा होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन जमीन के ऊपर घुटने टेक के सजदे में गए, कहते, या अल्लाह, अगर शहर में से सब मोमन नहीं निकल सके तो भी तू ये शहर बर्बाद कर देगा? अल्लाह ने कहा, नहीं इब्राहिम, जब तक मोमन रहेंगे मैं शहर के ऊपर आफत नाजल नहीं करूंगा। इब्राहिम कहते हैं, या मौला, कि 50 आदमी कभी रह गए तो गजब उतरेगा? अल्लाह फरमाया, नहीं। कि या मौला, कभी 25 रह गए तो? फरमाया, नहीं। या मौला, कभी 10 रह गए तो? खुदा कहता है, कभी एक मोमन बाकी रहेगा, मेरा गजब नहीं उतरेगा। यह खुदा की रहमत है। ए मोमिनो, ये जो धरती है, धरती भी एक जीव की तरह है। हमारा जैसा जीव धरती में नहीं, लेकिन धरती में जीव है। हमारे गिनानों में, नबियों की हदीसों में यह मौजूद है कि जब भी धरती के ऊपर गुनाह बहुत बढ़ते हैं तो धरती रोती है और खुदा के पास अपना दुख रोती है। फिर खुदा ताला इन बदमाशों को, गुनहगारों को मिटा डालता है। इस किस्म के बहुत से किस्से बने हैं। लेकिन जब धरती के ऊपर इबादत बंदगी होती है तो वो धरती आबाद होती है। ये बात पूरी कर लूं
तो मैं आपको एक और बात सुनानी चाहता हूँ अच्छी। लूत अलैहिस्सलाम ने घर घर जाके मोमिनों को कहा कि तुम गांव छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इस गांव के अंदर गुनाह बहुत बढ़ गए हैं और खुदा आफत भेजने वाला है। जब मोमिन निकल गए तो खुदा ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म किया कि ऐ जिब्रील, इन लोगों को ऊपर से नीचे दफन कर दो। जिस तरह से हम एक स्पेड लेके मिट्टी में डाल के ऐसा उठाते हैं, ऊपर की मिट्टी ऊंधा करके हम फेर देते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर जो था, फरिश्तों को पांख होते हैं ना, अपने पर से जमीन के अंदर डाल के सारा शहर उठा के ऊंधा कर दिया। सब लोग मर गए, एक भी बचा नहीं। आज भी इस चीज के निशान ये मामला इराक में हुआ था लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में, और इस बात को लगभग 4,500 साल हुए हैं। इस तरह से अल्लाह ने आद और समूद की कौम का भी जिक्र किया है, नूह नबी की कौम को भी बर्बाद किया है, बहुत सी कौमों का जिक्र है कुरान शरीफ के अंदर। जिस मुल्क के अंदर बदमाशी गुनाह बहुत बढ़ जाते हैं, उस धरती वहां की धरती रोती है। मैंने कुछ बरस हुए कनाडा के अंदर एक जमात खाने के अंदर मैंने कहा कि है मोमिनों, आपने कभी सोचा कि मौलाना हजरत इमाम ने हम लोगों को कनाडा बुला के यहाँ जमात एस्टेब्लिश की, उसकी वजह क्या थी? अफ्रीका के इस्माइलियों को मौला ने उठा के इस तरह डाला कनाडा के अंदर पर्टिकुलरली। आज कनाडा में 56,000 इस्माइली हैं, अमेरिका के अंदर 46,000 है, नॉर्थ अमेरिका में आज 1,00,000 से ज्यादा जमात है। आज तक कभी भी हिस्ट्री में ये नहीं था कि यूरोप या अमेरिका की साइड में जमात पैदा हो गए, हमारी हिस्ट्री में कहीं नहीं। और एक और बात भी है कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है, जियोग्राफिकली उसकी एग्जिस्टेंस है, यह लोगों को पता नहीं था, साइंटिस्टों को पता नहीं था, ज्योग्राफर्स जो थे उनको पता नहीं था। लेकिन जब ये नवी वर्ल्ड पता हुआ, डिस्कवरी की गई, आस्ते 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 बस्ती बढ़ती गई, आज अमेरिका के अंदर 250 मिलियन लोग हैं और 32-33 मिलियन कनाडा में हैं। लेकिन ये बस्ती और भी बढ़ती जाएगी। रसूल अकरम ने 1400 साल पहले इस बात का इशारा किया था कि मशरिक के लोग जब भी मगरिब की तरफ जाने लगेंगे तो समझना कि उस वक्त दज्जाल का टाइम नजदीक आ गया। दज्जाल से मतलब दैत कालिंगा। मशरिक कहते हैं ईस्ट को, मगरिब कहते हैं वेस्ट को। 1400 साल के बाद ये पहला मौका है कि सैकड़ों नहीं लेकिन हजारों लोग ईस्ट साइड से वहां जा रहे हैं। कनाडा में जाने के लिए बड़ी बड़ी रकमें देते हैं, अमेरिका में घुसने के लिए बड़ा बड़ा खर्च करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के यंगस्टर्स के अंदर एक बुखार पैदा हो गया है, अमेरिका चलो कनाडा चलो, अमेरिका चलो कनाडा चलो। अभी भी देखना 50 वर्ष के बाद ईस्ट जो है उसके बहुत से लोग वहां चले जाएंगे, ये चीज बढ़ती जाती है। मगर जो मैं कहना चाहता था वो ये है, कभी भी हमारी जमात नॉर्थ अमेरिका में नहीं पहुंची। ये मेरे अपने ख्याल हैं, कहीं भी हमको मौलाना हज़रत इमाम ने कहा नहीं कि क्यों कनाडा के अंदर जमात पैदा की गई। मेरी खुद की कैलकुलेशन है, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूं। वो धरती के जहां आज अमेरिका और कनाडा है, साइंटिफिकली इकोनॉमिकली एजुकेशनली हर लिहाज से सारी दुनिया में बेस्ट इलाका है। इस हालत में होने की वजह से
इस एफ्लुएंट सोसाइटी के अंदर आराम ऐश खाना पीना गुना क्राइम साथ साथ बढ़ता जाता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, नॉर्थ अमेरिका में किसी के भी घर पे जाओ, इस्माइली होवे, मुसलमान होवे, क्रिश्चियन होवे, काफर होवे, मोमन होवे, वहां फूड की वेस्टेज बहुत होती है। इतनी वेस्टेज होती है फूड की, खाने पीने की, कि अगर सिर्फ रेस्टोरेंट में से जो माल बच जाता है खाने पीने का प्लेटों में, उसको इकट्ठा किया जाए तो अफ्रीका की एक सारी कंट्री उसके ऊपर पल सकती है। ये आज उधर का हाल है। फूड की वेस्टेज गुनाह है इस्लाम के अंदर। लोग ले लेते हैं, खा नहीं सकते, गार्बेज में फेंक देते हैं। कपड़ों का यही हाल है। खाने पीने के हाल के अलावा सोसाइटी के अंदर शराब, सिगरेट, ड्रग और ऐसे बहुत से फेंट फतूर पैदा हो गए हैं। इन तमाम चीजों से गुनाह बढ़ गए। मैं कभी कभी ये भी कहता हूं कि सारी दुनिया के अंदर क्राइम सिखाने के लिए अमेरिकन्स नंबर वन हैं। मोस्टली क्राइम्स जो है वो अमेरिका से निकले हैं और अमेरिका की फिल्में देख के, मूवीज देख के दूसरी दुनिया के लोग उस चीज को सीख रहे हैं। इन तमाम हालात के अंदर गुनाहों का हाल बहुत खराब है, क्राइम बहुत। ये चीज जैसे मैं बोल गया कि धरती को पीड़ाते हैं, धरती रोती है, धरती के ऊपर गुनाह बढ़ने से धरती अपने अंदर से दुख निकालती है। आप अगर पढ़ते रहते हो, पेपर्स पढ़ते रहते हो, मैगजीन्स देखते हो, CNN तो इधर अभी बहुत हो गया देखते हो, हर साल अमेरिका के अंदर या तो टॉर्नेडोज आते हैं या फ्लड आते हैं, धरती कंप आते हैं। ये तमाम बातें उधर बढ़ रही हैं और इसकी वजह यही है कि गुनाह बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है। इमाम का ये इशारा कि तुम जाओ कनाडा में रहो एंड मेक कनाडा योर परमानेंट होम, इस वक्त मैंने आपको कहा था कि 56,000-57,000 इस्माइली हैं कनाडा में, न्यूफाउंडलैंड से लेके वैंकूवर तक, बल्कि विक्टोरिया तक। ये 8,500 किलोमीटर लंबा है, कनाडा बहुत चौड़ा है। हमारे 400 जितने छोटे मोटे सब जमात खाने हैं, परमानेंट जमात खाने भी हैं, वीकेंड जमात खाने भी हैं। ऐसे जमात खाने भी हैं कि एक या दो फैमिलीज हैं तो अपने घर में जमात खाना बनाया है। ये 400-450 जमात खाने जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं, इनके अंदर सुबह इबादत होती है, शाम को इबादत होती है, घरों में इबादत होती है। टाइम का डिफरेंस लगभग 4 घंटे का है, तो हर घंटे में कहीं ना कहीं जमात खाने खुले हैं और लोग इबादत कर रहे हैं। ये इबादत जो मुसलमान नहीं करते, हिंदू नहीं करते, क्रिश्चियन नहीं करते, इस्माइली लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस्माइलियों के जमात खाने सुबह शाम भरे होते हैं। हमारी हाजिरी उधर इतनी बुरी नहीं, फिर भी जितनी अच्छी होनी चाहिए इतनी नहीं अच्छी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम जमात खाने खुलते हैं, बंदगी होती है, तस्बीहां निकलती हैं, इबादत होती है, सबके लिए दुआएं मांगी जाती हैं, धरती के लिए, देश के लिए भी दुआएं मांगी जाती हैं। जैसे आप इधर दुआ मांगते हो, या मौला असांजे देश तंजानिया के सुखिया ने आबाद ने आबादी दे, ऐसी दुआएं हम उधर मांगते हैं। हमारी यह इबादत बंदगी जो जमात खाने एस्टेब्लिश करके हजरत इमाम ने बनाए हैं, उसका असर धरती के ऊपर पड़ता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में बेस्ट कंट्री टू स्टे इस कनाडा। इमाम ने जमात वहां किला बना दिया, किला खोल दिया, अपना दरखाना बनाया। ये जो वैंकूवर की जो रेंज है अलास्का से लेके नीचे
एलए तक ये सारी रेंज वॉल्केनिक रेंज है, और इस रेंज के ऊपर मौलाना हजर इमाम ने बलनबी में अपना दरखाना बनाया है। छोटे मोटे ट्रेमर निकलते हैं, लेकिन इमाम ने अपना दरखाना बना के एक किला ठोक दिया कि इस धरती को, इस इलाके को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया, प्रोटेक्शन दी है। दुनिया के अंदर जहां जहां भी भूल होती है, दुनिया के अंदर जहां जहां भी भूल होती है, गुनाह होते हैं, क्राइम होते हैं, थोड़ा थोड़ा खुदा ताला उसको छोड़ता रहता है, लेकिन जब बंद नहीं होते, हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर खुदा का गजब उतरता है। गए साल गुजरात में, काठियावाड़ में, कच्छ में, सिंध तक जो ट्रेमर आया, 1,00,000 से ज्यादा आदमी मर गए। बेहिसाब आदमी, पता भी नहीं है कि कितने डिसअपियर हो गए, मकान टूट गए, प्रॉपर्टी टूट गई। सबसे छोटा नुकसान इस्माइली जमात को हुआ, मगर हुआ। इन चीजों के पीछे हमारे गुनाह, हमारे क्राइम। खुदा ताला जब थप्पड़ मारता है तो कोई बचाने वाला नहीं होता। मजहब हमको इस बात के लिए चेतावनी देता है कि गुनाह ना करो, दूसरे का हक न खाओ, दूसरे का माल न खाओ, दूसरे पे जुल्म मत करो, अन्याय मत करो, बेईमानी मत करो। ये तमाम चीजें इसलिए हैं कि हमको रूहानी शांति और सुख मिले। ये रूहानी शांति और सुख नसीबदारों को मिलता है कि जो खुदा की इबादत करते हैं, और मौत के वक्त इंसान जब गुजरता है तो खुदा के नेक फरिश्ते हमें लेने आते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, बदमाशों का जब रूह निकलेगी तो भयंकर डरावने फरिश्ते उनको लेने जाएंगे, कि वो भयानक डरावने ड्रेडफुल फरिश्तों को देख के डर जाएंगे। लेकिन जो मोमन है, खुदा ताला के मानने वाले, चाहने वाले, जाकिरीन है, अल्लाह कहता है मौत के वक्त उनके पास खूबसूरत फरिश्ते जाएंगे, ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव फरिश्ते जाएंगे, कि मोमन उसको देख के खुश हो जाएंगे और राजी खुशी से इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे इमामों के फरमानों के अंदर देखो तो जिस तरह से इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हमको एक एक छोटी छोटी चीज बोलते थे, मौलाना हजर इमाम इस तरह छोटी छोटी चीजें अभी नहीं बोलते क्योंकि एजुकेशन बढ़ गई, लेकिन इमाम हमेशा बोलते हैं एथिक्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो एथिक्स हैं, हमारे मजहब के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके अंदर ये एथिक्स क्या है, किसी का माल ना खाओ, झूठ ना बोलो, किसी के ऊपर आल पंपाल ना करो, यानी ब्लेम ना करो किसी को, चोरी ना करो, जो हक तुम्हारा नहीं वो मत खाओ। ये सारे एथिक्स ऑफ इस्लाम है, और इन एथिक्स के ऊपर मौलाना हाजर इमाम हर जगह कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कुछ थोड़े से बरस हुए कि मौलाना हाजर इमाम ने इस एथिक्स के ऊपर बड़ा जोर दिया है, वगरना हमेशा पहले कहते रहे तुम्हारे बाप दादा की प्रणालिका के ऊपर अमल करो, तुम्हारे बाप दादा के मजहब के ऊपर चलो। मेरे दादा मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने तुमको बहुत फरमान किए, लेकिन अभी इमाम की वलन थोड़ी बदली, अभी कहता है एथिक्स ऑफ इस्लाम का ध्यान रखो, अच्छे बनो, मोमिन बनो। इस किस्म के हमारे ख्यालात होने चाहिए। ए मोमिनो, दुनिया की अट्रैक्शन देख के, दूसरे का बंगला देख के अपनी झोपड़ी जला डालना, ये तो अच्छी बात नहीं है। खुदा ने हर आदमी को मालदार नहीं बनाया, खुदा ने हर आदमी को गरीब भी नहीं बनाया। ये हमारे आमाल है कि जिसकी वजह से खुदा हमको माल भी देता है, गुरबत भी देता है। और ये जो मालदार लोग होते हैं, उनके बाप दादाओं की करनी कमानी का फल जब भी उनको मिलता है, और फिर वो लोग इस माल से गुनाह करते हैं, इस माल से चोरियां करते हैं, इस माल से ऐशो आराम करते हैं, तो एक दिन खुदा ताला थप्पड़ मारता है, जमीन दोज कर देता है। इसी दारुसलाम के अंदर आज से 60-70 ईयर्स पहले हमारा एक बुजुर्ग आदमी था,
मैं उसका नाम देना नहीं चाहता लेकिन मैं पर्सनली जानता हूं, जब वो गुजर गया तो 40 लाख शिलिंग की, 1942 में गुजर गया, 40 लाख शिलिंग की मिलकत 1942 में छोड़ के गया। लेकिन ये सारी मिलकत आई कहां से? ब्याज के पैसे से। उसके पास कोई आदमी जावे 5% ब्याज लेवे, 5%, और पैसे पहले काट लेवे, मकान पहले लिखा लेवे, ये सारी मिलकत उसने ब्याज से खड़ी की। इस दार सलाम की बात करता हूं। दो लड़के छोड़ गया, जब ये खुद मर गया, 40-42 लाख की मिलकत इन दो लड़कों ने 12-14 साल के अंदर भस्म कर दी, सारी मिलकत फना हो गई, क्योंकि वो पैसा हक का पैसा नहीं था। जहां हक का पैसा नहीं होता उस पैसे में शैतान घुस जाता है, दूसरे का माल खा के हम लोग कभी सुखी नहीं बन सकते, दूसरे के ऊपर आरोप लगा के हम लोग सुखी नहीं बन सकते, दूसरे की नफरत करके हसद करके हम लोग सुखी नहीं बन सकते। ये आमाल ऐसे हैं कि जो हमारी अंदर की रूहानियत को खा जाते हैं, सड़ा लग जाता है पेट के अंदर। अल्लाह से डरो, अपने मजहब के ऊपर अमल करो, नेक बनो, आधी रोटी खाओ मगर सुख की खाओ, आधी रोटी खाओ भले आधा पेट भरा है मगर उसके अंदर जो सुख शांति और लज्जत रहेगी वो बिरयानी खाने से नहीं मिलेगी। शराब, जना, जुआ, ये जुए की बात निकली तो मुझे ये सुन के दुख हुआ। मुझे इधर आज 16 दिन हुए दारुसलाम के अंदर, मगर मुझे पता लगा है कि हमारे बहुत से इस्माइली काजिनों में जाते हैं, ऐसे भी इस्माइली हैं कि सुबह जाते हैं शाम तक बैठे रहते हैं, जुआ खेलते हैं। हो सकता है उनको कुछ पैसे मिलते भी होंगे लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं है। मैं अपनी जमात वालों को हाथ जोड़ के कहता हूं, मोमिनों, इस्माइली मजहब के तरीके पे चलो, हज़रत इमाम के फरमानों पे चलो, पीरों के गिनानों पे चलो, नेक बनो, अच्छे बनो, सादे बनो और अपने दिल के अंदर कोई तरह की मगरूरी मत रखो, अपने दिल के अंदर लालच मत रखो, हिरस और ग्रीड मत रखो। जो उस मौला को देना होता है वो अच्छे रास्ते से दे, या मौला हक की रोजी देना कि हम तेरी बंदगी में शामिल रहें। हक की रोटी इंसान को दीन और दुनिया के अंदर आबाद रखती है और उसकी आल औलाद भी अच्छी होती है। ए मोमिनों, ये त्रिवेणी संसार, जैसे कि मैंने शुरुआत में बयान किया है कि हमारे पास्ट से हमारा प्रेजेंट इन्फ्लुएंस लेता है और पास्ट और प्रेजेंट मिलके हमारा फ्यूचर बनाते हैं। इबादत बंदगी करने से मौला हमारी मदद करता है, भले अगर हम गरीब हैं तो क्या हुआ, अगर गरीब के दिल के अंदर बड़ाई का लालच नहीं तो उसके दिल में सुख शांति रहती है। लेकिन जैसे ही उसके दिल में यह ख्याल आया मैं भी पैसा वाला बनूं तो उसके दिल के अंदर से सुकून निकल जाता है, सुकून निकल जाता है। ऐसे किस्से कनाडा में, अमेरिका में बहुत बने हैं, लालच के अंदर पड़ के जेल में गए हैं, लालच में पड़ के जान गई है, लालच में पड़ के हरदूत हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, आबरू चली गई। इस्माइली मजहब यह कहता है कमानी करो, अल्लाह का हक अदा करो, दसवन देने के बाद खाओ, उस खाने से सुबुद्धि आएगी, उस खाने से नेक ख्याल पैदा होंगे, अच्छे रास्ते पे इंसान चलेगा और इमाम के फरमानों पे अमल करने से अगर इंसान की जिंदगी गरीबी में रही लेकिन मोहताजी में नहीं रही, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौला उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आल औलाद को भी दुनिया के अंदर अच्छा बदला देता है। ये हमारा मजहब है, अपने मजहब के ऊपर अमल करके
रोज मिलो जमात खाने के अंदर, क्योंकि जमात खाने में आने से हम बाहर की बदियों बुराइयों से आफतों बलाओं से बचते हैं। मैंने कल कहा अर्ज किए दरखाने के अंदर कि जमात खाने में रूहानियां आती हैं, फरिश्ते आते हैं, हजर इमाम का तख्त जमात खाने में मौजूद है, इधर आके बैठो, अपनी प्रॉब्लम्स मौला से बयान करो अपने दिल में बैठ के, मौला को कहो या मौला ये मुझे दुख तकलीफ है तो तू मेहरबानी कर मौला हमारी मदद करे। इधर आके हमें सुख शांति मिलती है, हजर इमाम की दुआएं मिलती हैं। मुखी कांवड़िया जी, मुखियानी कांवड़ियानी जो ये दुआ देते हैं खाना आबाद की, ये खाना वदान हजर इमाम का खाना वदान है, और इसी खाना वदान की बदौलत हमारे बाप दादा जो थे आज से 500-700 बरस पहले खेडूत थे, मजदूरी करते थे, दूसरों का माल उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ये लेबर क्लास में से हम लोग हमारे बाप दादा चले आए हैं। एक वो जमाना था कि इस्माइली जमात की जो औरतें थी गाय का गोबर भैंस का गोबर इकट्ठा करके सुखा के उस पे से खाना पकाती थी। आज देखो हजर इमाम ने जमात को कहां से कहां पहुंचा दिया, हमारी हालत बदल गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल गई, हमारी तंदुरुस्ती में फेर पड़ा, हमारा एजुकेशन और इलम बढ़ गया, और पर्टिकुलरली इमाम का फरमान मान के कि जो उधर गए थे कनाडा या अमेरिका के अंदर, तो आज हाल ये है दीनदारों, अभी मैंने आपको कहा कि 56,000-57,000 इस्माइली कनाडा में है, हर साल 400 ग्रेजुएट्स निकलते हैं कनाडा में, इस्माइली ग्रेजुएट्स को जुदी जुदी लाइन में, कोई एमए ले लेता है, कोई बीए करता है, बैकलोरियट होता है, पीएचडी करने वाले हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये हमारी जमात में हर साल 400 जो ग्रेजुएट निकलते हैं, 50 बरस के बाद हमारी सारी जमात मोस्ट एजुकेटेड जमात होगी सारी दुनिया के अंदर। इमाम की मेहरबानी से ये दौरवनियां मिली हैं। हमारी जमात के अंदर जजेस हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े अच्छे सर्जन और डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। ये गए 25-30 बरस के अंदर, 70 से ले लो तो 30 बरस हुए, 30 बरस के अंदर आज जमात ने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन साथ साथ जमात का अमुक सेक्शन कुछ नौजवान रास्ता छोड़ गए हैं, बदियों बुराइयों में फंस गए हैं कि जो जमात के ऊपर कलंक का कारण है, और जमात के ऊपर इस बात के लिए शर्म की बात पैदा होती है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, मैं कुछ यंगस्टर्स को मिला भी हूँ, आज ये मेरी ये सफर की मेरी ये लास्ट वाइज है, कल परसों मैं इंशाल्लाह जाता हूँ, मैं कुछ यंगस्टर्स को मिला हूँ, यंगस्टर्स के दिल के अंदर अभी भी ये अभिलाषा है कि हम अमेरिका जाएं या हम कनाडा जाएं, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ अभी मामला सैचुरेट हो गया है, अब उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़े ही वक्त के अंदर ईस्ट अफ्रीका इंशाल्लाह बहुत डेवलप होगा, थोड़ा टाइम लगेगा मगर बहुत डेवलप होगा, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। यंगस्टर्स को मेरी एक ही नसीहत है, एजुकेशन लो आगे बढ़ो, और छोटी सी थोड़ी मोटी डिग्री की बात नहीं, डिग्री के बाद दूसरी डिग्री को स्पेशलाइज कोर्सेस करो, और अपना फ्यूचर बनाने के लिए हजर इमाम का वो फरमान याद करो कि जो हजर इमाम आज लगभग 12-13 साल से मेरिटोक्रेसी के ऊपर बहुत जोर देते हैं। मेरिटोक्रेसी का ये है कि अगर फ्यूचर में हमारे यंगस्टर्स के पास अच्छी डिग्री नहीं होगी तो उनको अच्छी कमाई वाली नौकरी जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए मौला चाहते हैं कि यंगस्टर जो है बेस्ट एजुकेशन लो, और बेस्ट एजुकेशन के लिए अगर पैसे की तकलीफ है तो हजर इमाम कहते हैं पैसे की वजह से अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो मैं बैठा हूं, आओ मेरे पास, एजुकेशन लो, अगर काम भी करना है तो ऑनेस्टी से करो, डिलीजेंटली करो, अपनी जमात का नाम बढ़े, अपनी फैमिली का नाम बढ़े, हजर इमाम का नाम बढ़े,
اور یہ تمام چیزوں کا خیال رکھ کے اپنے جو ایکشن ہے، اعمال ہیں، کیریکٹر ہے، تھاٹس ہیں، ان کو بالکل پیور اور آرام سے بناؤ، سکھی اور آباد، طرح کی بلائیں آفتیں مولا آپ سے دور رکھے، اچھی تندرستی دے وے مولا، آپ کو آسانی دے وے، آپ کے روزی کمانی میں برکت دے وے، دسبندی سکھ ریدھی بناوے، ایمان زیادہ کرے، کٹمب اور قبیلے میں صلاح سمت دے وے، محبت اتفاق دے وے، ایک دوسرے کے لیے پریم بھاونا دے وے، مولا آپ کو ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے، نیک امیدیں پوری کرے، حیض اللہ.